सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो यह है कि क्या आप एक वीडियोस को मल्टीपल चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह बहुत ही लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या मैं एक वीडियो को लेके किसी बहुत सारे चैनल के ऊपर अपलोड कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सेम टू सेम वीडियो को आप अपने डिफरेंट डिफरेंट चैनल पर अपलोड करना, तो दोस्तों यह यूट्यूब के खिलाफ इलीगल है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक वीडियोस को डालते हो अलग अलग चैनल पर, तो यूट्यूब वहां पर आपके सभी वीडियोस पर ऐड तो नहीं चला सकता, क्योंकि यह यूट्यूब के रियूज कंटेंट के अंडर आता है और आपके चैनल को वह डीमोनेटाइज भी कर सकता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और अगर आपने मतलब चार चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं, तो अगर आपका एक चैनल बचेगा वहां पर, तो तीनों चैनल जो होंगे वहां का तीनों चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि वह रीयूज्ड कंटेंट के अंदर आएगा। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि मैं ही जब चारों चैनल के अंदर मतलब वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो क्या उन पे कॉपीराइट आएगा? तो दोस्तों, कॉपीराइट लाने का अधिकार जो मैंने पहले बताया था कि वह यूट्यूब के हाथ में नहीं होता, वह क्रिएटर के हाथ में होता है। तो यूट्यूब आपसे उन वीडियोस में क्या करेगा कि सिर्फ रियूज्ड कंटेंट ही डाल देगा। तो अगर आप उन वीडियोस को अलग अलग चैनल पर अपलोड करना चाहते हो, तो उसमें आपको कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। हो सकता है आप उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक को चेंज कर दे, उसका इंट्रो को चेंज कर दे, आउट्रो को चेंज कर दे, और अलग अलग तरह से आप अपने वीडियोस को वहां पे अपलोड कर सकते हो। अगर उसमें आप कुछ करेक्शन करते हो, तो आपको उसमें रियूज्ड कंटेंट नहीं आएगा। अगर आप उसमें सेम टू सेम डिटो उस वीडियो को डाल देते हो, तो उसमें आपका रियूज्ड कंटेंट के तहत आपका जो चैनल होगा उसका मोनेटाइजेशन डिसेबल भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर कोई आपका बड़ा चैनल नहीं है और वह चैनल आपका छोटा है, वहां पर कम व्यूज आते हैं और सब्सक्राइबर भी कम है, तो वहां पर आप ऐसा कर सकते हो कि आप मल्टीपल चैनल पर वीडियोस डाल सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर वह वीडियोस यूट्यूब के नजर में आ जाता है, तो वह वीडियोस को यूट्यूब डिलीट भी कर सकता है और आपका जो चैनल होगा उसको टर्मिनेट भी कर सकता है, क्योंकि वह यूट्यूब के खिलाफ होता है, वह रिव्यूज कंटेंट का होता है और कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ ही होता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। और दोस्तों, अगर आप सेम टू सेम वीडियोस को अपलोड करना चाहते हो, तो उसमें आपको इंट्रो या फिर आउट्रो में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, या फिर वीडियो की लेंथ को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, जिससे आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगा और यूट्यूब आपको यहाँ पर रिव्यूज कंटेंट कुछ भी यहाँ पे आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, जिससे आपका चैनल यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगा। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।